नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर ज़िले में। मुख्यमंत्री योगी का ये शहर है और मुख्यमंत्री योगी लगातार एक यहां का जो प्रोडक्ट है टेराकोटा, उसको लगातार बढ़ावा भी दे रहे हैं। एक जिला और एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये शामिल भी है टेराकोटा। और टेराकोटा की डिमांड सिर्फ गोरखपुर तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये गोरखपुर से निकल के देश के कई राज्यों में ये जाता है। यहाँ से इसके साथ ही विदेशों में भी इसकी सप्लाई होती है, यहाँ से भेजा जाता है। तो आज हम यहाँ पे जिसके मौजूद हैं, जहाँ पे ये टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाते हैं, और आप देख सकते हैं कि पीछे जो ये इनके पीछे पूरा एक इनका एक कह सकते हैं गोदाम है, जहाँ पे ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा खूबलाल प्रजापति नाम। खूबलाल जी, टेराकोटा इस समय जो है कि डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है, कब से आप कितने वर्षों से ये टेराकोटा का काम? ये ऐसा है जो 3-4 पोस्ट तो हो गया सर। 3-4 पुस्त से आपका ये काम हो रहा है। जैसे हम हमारे बाबा थे तो हमारे पिता थे, मन उनके लेके ऐसे मन सीढ़ी पर सीढ़ी चलता रहा है कला को। आप 3-4 पुस्तों से ये काम कर रहे हैं, पहले में और इधर में क्या अंतर आया? पहले से इधर इस काम में ढेर अंतर है, और पहले उतना अंतर नहीं था। जैसे कस्टमर च्वाइस करते हैं हर चीज का माल, हम लोग जो आइटम बदल देते हैं वो कस्टमर जो ज्यादा च्वाइस करते हैं, इसका मांग ज्यादा। मुख्यमंत्री योगी जी की भी पहल इसमें चल रही है, उसका भी क्या आप लोगों को लाभ मिला है? हाँ, लाभ मिला, हम लोग का चाकूक सब मिला है। जी, योगी जी दिए हैं, अनुदान भी दिए हैं जी, हम बढ़ा रहे हैं। तो आप 4 पुस्त से काम कर रहे हैं। अभी अगर बात करें कि दिवाली और छठ का पर्व आ गया है, वर्तमान समय में कैसे काम चल रहा है, कैसे मूर्तियाँ आप तैयार कर रहे हैं, सप्लाई कहाँ कहाँ है, किन जगहों की डिमांड है आपके पास? ऐसा हम लोग बंगलौर, मद्रास जी, यानी हर जगह डिमांड हम लोग का, हैदराबाद जी, हम लोग सप्लाई करते हैं। कैसे ऑर्डर मिलता है आप लोगों को? जैसे कैसे आप लोग सप्लाई करते हैं? हम लोग जैसे ऑर्डर मिलता है, जैसे कि अपना फोटो बना के उठी बना के दिखाते हैं, उस पर हम लोग का ऑर्डर मिलता है। आप लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए? ऑनलाइन से काम होता है। अच्छा, ऑनलाइन आप लोगों का एक पोर्टल बना है। हाँ, और उस पे आप लोगों को उसी पर डालते हैं, उसी पर हम लोग मिलता है। तो अगर अब अभी बात करें तो कितने लोग, मतलब एक रोजगार के दृष्टिकोण से ऐसा है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? ये पूरा परिवार है जी, ये औरंगाबाद पूरा गाँव जुड़ा हुआ है जी जी, और साहब भी बना है जी। हाँ, उसमें सब कितने लोग अभी परिवार है? बहुत लोग हैं। कितने लोग, कुछ संख्या बताइए अभी। एक 20-25 जो कुछ संख्या बताइए। कम से कम ये समय जमान है कि 60 से कम नहीं होगा। 60 लोग अभी जुड़े हुए लाइकन के छोड़ कर जी जी जी। अगर हम बात करते हैं कि डिमांड की अगर बात करें, कितने का कारोबार आपको लगता है कि दिवाली या छठ पर्व में आपके वहाँ से ऑर्डर होगा, और कितने तक की आप सप्लाई दे दीजिएगा लोगों को? अब ऐसा हम लोग जो है जैसे कि ऑर्डर पर जैसे लेते हैं, उसी हिसाब से जो है कि हम लोग ऑर्डर सप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम कारोबार की बात करें तो लाखों में हो जाएगा या करोड़ों तक पहुँचता है टर्नओवर? हाँ, वो तो ऐसा है कि जैसे भाई मेहनत करेंगे उसी हिसाब से मिलेगा जी, जब मेहनत आदमी नहीं करेगा कहाँ क्या। जैसे मेहनत आप कर रहे हैं, कितना अनुमान आपको लग रहा है कि हमारा दिवाली तक या छठ तक या इतने का करोड़ का हो जाएगा, या क्या एक कारोबार? हम लोग यही सोचते हैं 1-2 लाख का, 2-3 लाख तक। हाँ, मेहनत करेंगे तो जी। अभी कोई काम में आप लोगों की दिक्कत या सरकार कोई, से अभी कुछ और नहीं, लगता नहीं, है इसमें होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है जी जी। हाँ, सरकार जो बढ़ा रही है हम लोग का, ऐसी बात नहीं है। कितने घंटे काम करना पड़ता है आप लोगों को? हम लोग ऐसा है कि हम लोग सुबह से उठ के काम पर लग जाते हैं जी जी, और उसके बाद जो है थोड़ा सा अपना टहरते घूमते फिर काम पर लग जाते हैं, 1-2 घंटा थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं जी जी। हाँ, क्या क्या दीपावली के लिहाज से क्या क्या सामान आप इसमें? देखिए, दीपक, हिरण, ऊंट, बाघ से यानी हर चीज़ हम लोग बनाते हैं इसमें, आइटम बदल करके जी। इसका कौन और ना है कि हम बना सकते हैं, ये कोई नहीं जाते, सरस्वती देन है जी जी। या हम चीज़ भी आइटम बदल सकते हैं, आज ये बनाते हैं कस्टमर अगर वो च्वाइस नहीं करता फिर दूसरा जो है आइटम बदलने ज़्यादा च्वाइस करते हैं जी जी। हाँ, कला तो
आप टेराकोटा के मूर्तिकार हैं, जो टेराकोटा की मूर्तियां बनाते हैं। इन्होंने अपने कारोबार के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप दिखा दीजिए जो कलाकृतियाँ आपने यहाँ जो बना रखी हैं इनके बारे, ये सब थोड़ी सी दिखा दीजिए। आप हिरन देख सकते हैं, कछुआ देख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे कई कलाकृतियाँ हैं। ये क्या चीज़ है? ये आम, ये इसी का नाम है टेराकोटा। अच्छा। ये रेडियो स्टेशन के पास में ये मिट्टी मिलती है, इसको खोदना पड़ता है जमीन के अंदर में। ये जमीन के अंदर से? हाँ, उसको खोद कर ले आके आम का छाल और सोडा कूट करके इसको हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये टेराकोटा है? हाँ। ये मिलती कहाँ पे आप बता रहे हैं? ये कर्षवाणी के पास में है, ये तालाब के पास। मतलब ये जमीन के अंदर है? हाँ, जमीन के चिन्हना पड़ता है। क्या चीज़, ये जड़ है कि नहीं? ये मिट्टी होती है, खास मिट्टी होती है। अच्छा। हाँ, लाल ठेवर हो जाता है। अच्छा अच्छा। इसको चिन्हना पड़ता है। अच्छा। तो ये टेराकोटा की मिट्टी है जिसे आप लोग लाते हैं, उसके बाद से आम की छाल और सोडा मिला करके उसको कूटते हैं मूसर से। जी, फिर उसको दिया जाता है? हाँ, उसके बाद। क्या नाम है आपका? जीवलाल प्रजापति। ये जो कब से आप काम कर रहे हैं टेराकोटा? ये हमारा पुश्तैनी काम है। जी, पुश्तैनी काम है। हाँ, 5-6 पुश्त हो गए। तो आज टेराकोटा जो है वो सिर्फ औरंगाबाद तक ही सीमित नहीं है, गोरखपुर तक सीमित नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में सीमित है। देश में कहाँ कहाँ? देश और विदेशों में भी है। कहाँ से अभी अगर बात करें तो आपके पास आर्डर किन किन? हैदराबाद, बंगलौर, बॉम्बे, चेन्नई, कोचीन। कोचीन से? जी जी। कैसे ऑर्डर मिलता है आप लोग, कैसे सप्लाई करते हैं? जैसे हम लोगों का ऑनलाइन है ना सामान, एकदम गवर्नमेंट से हम लोग को अवार्ड मिला हुआ है, वो लोग जिला उद्योग केंद्र से ले लेते हैं, रजिस्टर्ड हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से ले लेते हैं। हम लोग सरकारी एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ जैसे मोबाइल नंबर ले लिए, पता ले लिए, तो ऑनलाइन हम लोग को ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट बैंक में डाल देते हैं, हम लोग भेज दिया जाता है तरह करके। कुछ लोग आ भी जाते हैं। तो अभी दिवाली और छठ को लेके अगर हम बात कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारी चल रही है, क्या डिमांड है, कैसे आप लोग पूरा? बहुत जोरों से चल रही है, डिमांड तो अच्छी थी। जी, अच्छी है। अगर बात करें आपके साथ कितने लोग रोजगार में जुड़े होंगे? हमारे घर में तो, यहाँ तो करने वाले बहुत लोग हैं, 100 की संख्या में घर है, मगर हमारे साथ में 10-12 लोग जुड़े हुए हैं। जी, अगर कीमत की बात कर रहे हैं हम, तो कितने से लेके कितने तक की मूर्तियां आप लोग बेचते हैं? ये हमारे पास इस समय मतलब दिया 2 रुपए का है, 2 रुपए से लेकर करके 4,000-5,000 तक ले। 4,000-5,000 तक? जी जी। 4,000-5,000 में अगर हम बात करें तो क्या उसमें? वो बड़ा बड़ा हाथी घोड़ा होता है, जैसे 3 फुट का हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया। जी, जैसे टेबल है 3,000 का। अच्छा, तो सामने जो लग रहा है। आपने कहा कि पुश्तैनी काम आपका रहा है, पहले में और अब में, जब से ये योगी जी की पहल की है या ओडीओ की में हुआ, क्या अंतर आ रहा है? अंतर बहुत आएगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा पैसे की दिक्कत होती है थी। जी जी। तो एक जिला उत्पाद में हम लोगों को गोरखपुर का टेराकोटा योगी जी दिए हैं, तो उससे हम लोगों को लोन वोन मिला, उसमें कुछ सब्सिडी भी हुआ था हम लोगों का। जी जी। तो उससे हम लोग लिए और भर भी दिए। हाँ, अभी कोई समस्या और लगता है कुछ और आप लोगों के लिए होना चाहिए? अब समस्या यही है कि भाई जैसे थोड़ा सा अच्छा मार्केट नहीं मिल पा रहा है, जैसे एग्जीबिशन होकर गवर्नमेंट लगवावा, आना जाना हम लोगों को थोड़ा सा मिला, क्योंकि हम लोग का मिट्टी का सामान टूटने का डैमेज ज़्यादा रहता है ना, यही चीज़ है थोड़ा सा। और मानो अच्छा अच्छा एग्जीबिशन में, अच्छे से शहरों में एग्जीबिशन लगावा गवर्नमेंट, तो उसमें आने जाना का किराया भाड़ा हम लोगों को दे, तो और थोड़ा सा हम लोगों का मार्केट और टूट जाएगा। हम लोग तो बनाते हैं होल सेलर में दे देते हैं, फायदा तो सब उठाते हैं, पूरा फायदा हम लोगों को मिल नहीं पाता है। क्या नाम है आपका? राजीव मिश्रा। कहाँ से आए हुए हैं? हम महाराजगंज जिले से हैं, ग्राम बगही से। तो महाराजगंज लगभग कितनी दूर पड़ जाएगा यहाँ से? लगभग 40-50 किलोमीटर। जी, 50 किलोमीटर दूरी से आप आए हैं टेराकोटा के ये सामान? जी सर, हम दिवाली का लेना था, दिया हुआ लेना था सर, तो इसीलिए आए थे यहाँ पे। तो कब से ले जाते हैं ये टेराकोटा का आप? ये सर हम लोग 4-5 साल से लेके जाते हैं। जी जी, हर साल। मतलब आपके क्षेत्र में क्या इसकी डिमांड रहती है? हमारे वहाँ सर लोग हैं, कुहार लोग हैं, बनाते हैं लोग दिया, लेकिन वो लोग सादा दिया बनाते हैं, इसलिए हम लोग सादा तो वहीं से लेते हैं अपने वहाँ से, लेकिन इधर का थोड़ा सा खूबसूरत चीज़ ये लोग बनाते हैं, इसलिए हम लोग इनके पास से आके या ले जाते हैं। मैं
औरंगाबाद गांव जो कहा जाता है, जो टेराकोटा मूर्तियों का कहा जाता है कि मूल है, और टेराकोटा की जो ये कलाकृतियां हैं यहां से निकल के आज पूरे विश्व पर अपनी एक अलग छाप छोड़ रही हैं। उस गांव में हूं मैं, टेराकोटा की तमाम आप मूर्तियां भी मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय। यहां जिस तरीके से बता रहे हैं लोग, जो इसके कारीगर हैं वो बता रहे हैं कि दीपावली और छठ पे किस तरीके से टेराकोटा मूर्तियों की डिमांड है, और सिर्फ मतलब अपने यूपी तक ही नहीं ये सीमित रह चुका है, ये कई अन्य स्टेटों जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से लगाए कई और भी प्रांत हैं जहां से टेराकोटा कलाकृतियों की जो है वो काफ़ी डिमांड है। और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वन इंडिया हिंदी।